हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी। दोस्तों आज चलिए मैं आपके साथ किट अनरेडी विद मी कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए मेरा मेकअप और मैं भी देख लूँगी मेरा मेकअप लास्ट टाइम। उसके बाद मैं अपने फेस को नेक को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर रहा। पहले क्या करूँगी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का ऐसा टिश्यू पेपर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, या तो आप मिनीसो का भी ले सकते हैं। मिनीसो का 100 रुपीज़ में भी आ जाता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो मैं ये लेती हूँ। और बिल्कुल ही किफ़ायती वाला एक चीज़ लेती हूँ, वो है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का बॉडी ऑयल, ले लेती हूँ अपनी हाथों पे खूब सारा। फिर थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ अपने हाथों पे, एंड नाउ व्हाट आई डू, अपने पूरे फेस पे मैं अच्छे तरह से, जब तक मेरे मेकअप मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं ऐसा मसाज देती रहूँगी। वीर हनुमान की तरह लग रही हो, वेट, अभी वीर हनुमान की तरह लग रही हो, जय श्री राम। मुझे ये आई मेकअप इतना ज़्यादा पसंद है कि उतारने का मन नहीं कर रहा है, बट नथिंग टू डू। जितना भी अच्छा मेकअप हो, यू हैव टू टेक ऑफ योर मेकअप बिफोर स्लीपिंग। मैं जो करती हूँ वो पहले तो मेरा पूरा फेस का मेकअप निकाल लेती हूँ, फिर मैं आँखों के और पर जाती हूँ। डेली बेस पे तो ऐसा वाला मेकअप नहीं होता है, लाइक पार्टी वगैरह में भी ऐसा मेकअप नहीं होता है। तो मैं देखिए कैसे कर रही हूँ, पूरा जो मेकअप है ना, वो जितना भी वाटरप्रूफ मेकअप हो वो गल जाएगा। मैं वेट टिश्यू पेपर ले लूंगी, बहुत अच्छी तरह से मेकअप निकल जाता है। ये इजीएस्ट तरीका है मेकअप निकालने का। अभी भी देखिए मेकअप है, मैं इस आँखों में थोड़ा सा रब करूँगी बहुत हल्के हाथों से, इसका काजल निकल नहीं रहा है। देखिए कान को भी मत छोड़िए, साथ ही साथ और एक अलग सा टिश्यू पेपर ले लिया वो, मैं अलग सा और एक टिश्यू पेपर ले लिया और इसको फिर से मैं अपने फेस पे वाइप करूँगी। अगर कुछ मेकअप होगा तो निकल जाएगा। ये भी मेकअप करने के बाद मेकअप निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं जो प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, दो कॉटन पैड लेती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं ले लेती हूँ माइसलर वाटर और अच्छी तरह से कर लेती हूँ शेक। और मैं ये बिंदी उतारूँगी, नहीं तो बिंदी का जो जगह है ना ढह जाएगा। स्टेपिंग फोर, ये दो की भैया दो हाथों साथ साथ चलाऊंगी, दो हाथों को साथ साथ चलाऊंगी, टाइम भी कम लगेगा। इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है दिस वायलेट, उड़ ही नहीं रहा है बाकी सारा मेरे फेस में। देखिए मेकअप सारा उड़ गया है, खाली कोई नहीं उठ रहा है। ठीक है, मैं फेस वॉश करके आप लोगों को दिखा लूँगी। एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइज़, ठीक है, मैं फेस को बहुत अच्छी तरह से वॉश करके आऊँगी। आया था बायोटिक का, फेस वॉश अच्छी तरह से फेस को वॉश कर चुकी हूँ और देखिए जो पिगमेंटेशन था वो पूरा निकल गया है। तो अगर आप लोग भी मेकअप कर रहे हैं तो इसी तरह से अपने फेस को आप क्लीन कीजिए। अभी टर्न टू काम आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर, थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी, एंड देन टर्न टू एसिड वाटर नाइट्रोफ्लेस सीरम। मुझे लगता है ये ऑल इन ऑल है, तो मैं हाथ का आज कुछ नहीं करूँगी, हाथ का रहने दूँगी बिकॉज आई डोंट हैव एनी एनर्जी राइट नाउ। सो ये है मेरा मेकअप क्लीनिंग और अच्छे कैसे मेकअप क्लीनिंग की स्माइल।